दुकान में नाम सर। अस्सलाम वालेकुम रबिशा, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, सरप्राइज। बिल्कुल, आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट फेमस साइंटिस्ट सा द पावर ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो भाई साइंसदान भी अब हनुमान जी की पावर को मान रहे हैं, तो इस वीडियो को आप भी एंड तक देखेगा, कुछ ना कुछ सीखने में जरूर मिलेगा और कुछ ना कुछ इलम भी जरूर मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए, interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to this picture of this person, and I didn't know who he was. I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. Yeah, Steve Jobs came here in 1974 looking for enlightenment from a guru named Neem Karoli Baba, but the Baba had died 3 months prior. But it's still said that his time here and Neem Karoli Baba's favorite fruit, apples, inspired the Apple logo. Then in 2008, Mark Zuckerberg came here on advice from his mentor, which was, you know, Steve Jobs. And Steve said to Mark, come here and you can... दोस्तों, क्या आपको सन 1970 की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में पता है जिसने दुनिया के मोस्ट फेमस साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन को हैरान करके रख दिया था? ये सच्ची घटना ही नहीं बल्कि एक ऐसा अलौकिक चमत्कार था जिसके कारण बहुत सारे फेमस अमेरिकन सनातन धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान संत और भगवान हनुमान के अवतार नीम करोली बाबा के एक ऐसे अलौकिक चमत्कार के बारे में जिसने अमेरिका के एक आम नागरिक को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फेमस साइंटिस्ट बना दिया। और WHO में इस साइंटिस्ट के महान योगदान के कारण उस समय दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई थी। और दोस्तों, अमेरिका का ये साइंटिस्ट आज भी जिंदा है, जिनकी उम्र 78 साल के करीब है, जो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज और टेड टॉक्स में महान संत नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान के इस अलौकिक चमत्कार के बारे में गर्व से दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को बता चुके हैं, जिनकी सच्ची घटना के बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मिलिए डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट से, हिंदू नाम सुब्रमण्यम, एक मोस्ट फेमस अमेरिकन एपिडेमिक साइंटिस्ट और नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान के सच्चे भक्त, जिसने चेचक की महामारी को रोकने के लिए सन 1973 से लेकर सन 1976 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में काम करके अपना बेहतरीन योगदान दिया था, जिसके कारण चेचक की महामारी से मर रहे करोड़ों अरबों लोगों की जानें बच पाई थी। पर दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि लैरी ब्रिलियंट का दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में स्मॉल पॉक्स के वायरस पर रिसर्च करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनका यहाँ तक पहुँचने का पूरा श्रेय जाता है महान संत नीम करोली बाबा को, जो साक्षात भगवान हनुमान के अवतार थे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में, जब लैरी ब्रिलियंट नीम करोली बाबा की महिमा को सुनकर बाबा से संन्यास लेने के लिए अमेरिका से उत्तराखंड के कैंची धाम चला आता है। लैरी ब्रिलियंट बाबा की महिमा और चमत्कारों से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वे बाबा से दूर होना ही नहीं चाहते थे, बस संन्यास अपनाकर बाबा की शरण में ही रहना चाहते थे। पर दोस्तों, उन दिनों नीम करोली बाबा दुनिया भर में चेचक की महामारी से मर रहे करोड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए परेशान थे, इसीलिए बाबा ने पहले से ही अपने अलौकिक ध्यान से लैरी में छुपी चेचक की महामारी का इलाज खोजने की अद्भुत योग्यता को पहचान लिया था। पर लैरी को अपने आप पर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो ये काम कर सकते हैं, इसलिए लैरी बार बार बाबा से बोलते रहते थे कि बाबा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। पर बाबा भी बार बार लैरी ब्रिलियंट को ये आदेश देते कि वे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जाए और वहाँ पर
वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेचक महामारी का इलाज खोजे और बाबा ने लैरी को ये विश्वास दिलाया कि लैरी बेझिझक इस काम को कर सकते हैं। अपने आप पर बिल्कुल भी संकोच न करें और WHO जाकर मानव जाति को बचाने के लिए इस काम को करें। उस समय बाबा ने लैरी को एक हिंदू नाम सुब्रमण्यम दिया और इनकी पत्नी को विरीजा नाम दिया। इसके बाद बाबा के आदेश पर लैरी WHO में गए और वहां पर एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए, जिसे लैरी बाबा के इस चमत्कार से काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि लैरी को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वे WHO में सिलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद लैरी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट बन गए और दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर चेचक की महामारी का इलाज खोजा, जिसे दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई। जिसके बाद डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट एक सर्टिफाइड एपिडेमिक साइंटिस्ट बन चुके थे, जिनके काम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई और लैरी ने अपने आप पर बीते इस चमत्कार को पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता। और दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई इन सारी बातों को भी आप लैरी के विकिपीडिया पेज के करियर सेक्शन में भी साफ साफ पढ़ सकते हो। और नीम करौली बाबा के चमत्कारों के बारे में लैरी ने रामदास के द्वारा लिखी गई किताब मिरेकल ऑफ लव स्टोरीज ऑफ नीम करौली बाबा में भी बताया है। और इनके अलावा भी लैरी ने बहुत सारे टेड टॉक्स में बाबा के इस चमत्कार के बारे में गर्व से बताया है और खुलेआम अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट नीम करौली बाबा को दिया है, जिसको आप टेड टॉक्स के इस वीडियो में भी देख सकते हो। स्टडीड विद अ वाइज मैन आवर गुरु नीम करौली बाबा हु देन टोल्ड मी टू गेट रिड ऑफ द ड्रेस पुट ऑन अ थ्री पीस सूट गो जॉइन द यूनाइटेड नेशंस एज अ डिप्लोमेट and worked for the World Health Organization, and he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and this was God's gift to humanity because of the hard work of dedicated scientists. And that prediction came true, and this little girl is Rahima Banu. और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब लैरी ने बाबा के द्वारा किए गए इस चमत्कार को अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को बताया तो स्टीव जॉब्स भी काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। दोस्तों, ये वो टाइम था जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को खड़ी करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जिसे स्टीव जॉब्स को बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। पर यहाँ पर खुशी की बात ये थी कि लैरी ने उनको भगवान हनुमान के अवतार नीम करौली बाबा के चमत्कारों की महिमा सुनाई, जिससे स्टीव जॉब्स को एक पॉजिटिविटी मिली और बाबा से मिलने का प्लान बनाया। पर दोस्तों, जब वे अमेरिका से उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे तो वहां उनको बाबा नहीं मिले, क्योंकि 11 सितंबर 1973 में ही बाबा समाधि ले चुके थे, जिसका पता चलने के बाद स्टीव जॉब्स को काफी ज्यादा दुख हुआ। पर फिर भी स्टीव जॉब्स भगवान हनुमान के दर्शन करके कुछ समय बाबा के आश्रम में रहे और बाबा की तस्वीर को निहारते रहे, जिनसे उनको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली और आश्रम में पूजा करके वापस अमेरिका चले गए, जिसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। और जब तक स्टीव जॉब्स इस दुनिया में रहे, तब तक उन्होंने नीम करौली बाबा की तस्वीर अपने पास रखी। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव कल्याण करना ही बाबा के मन को शांति देता था, इसलिए बाबा की याद में अमेरिका के कुछ फेमस लोगों और फेमस वैज्ञानिकों ने सेवा फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें दुनिया भर में अंधेपन से ग्रस्त लोगों का इलाज किया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन के नाम है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, रामदास जिनका अमेरिकन नेम रिचर्ड अल्बर्ट था जो एक साइकोलॉजिस्ट और नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त थे। इसके बाद नाम आता है एक फेमस अमेरिकन माइक्रोलॉजिस्ट का और इसके बाद डॉक्टर गोविंदा पा और फेमस बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स का नाम आता है। तो दोस्तों, ये था अनटोल्ड। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई, बहुत ज्यादा हैरानकुन वैसे एक वीडियो है कि भाई बीमारी एक टाइम पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिसका इलाज ढूंढना में वो उसका बता रहे हैं कि वो जो है अम्मी का भाई जो ना उनको भी यही है ना मतलब था और अम्मी के भाई की भी डेथ ना हो चुकी है, लेकिन उनकी डेथ इस वजह से नहीं हुई, लेकिन वो उनके फेस पे शुरू से ही निशान थे। हाँ, निशान थे, तो उसका वो बोले कि हाँ चीचक के वो एक टाइम पे ऐसा था कि इलाज ढूंढना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और भाई जो है ना नीम करौली बाबा, उन्होंने बहुत ज्यादा भाई जो एक साइंटिस्ट थे ना उनकी हेल्प की और जिसकी वजह से वो इस बीमारी से मतलब होता है ना निजात पा सके। और फिर हाँ अब नहीं वो होती बीमारी किसी को, लेकिन उस टाइम पे एक टाइम था ना फिर जब ये बहुत 50 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, तो वो तभी सार, 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 सार हो गए।
अभी मुझे लगता है टीके लगते हैं इस वजह से लोगों को ना ये बीमारी नहीं होती, तो तब ना इसका कोई हल नहीं था मिल रहा, तो उन्होंने भाई जो नीम करोली बाबा है ना उनसे इंस्पायर होकर तो भाई इसका जो है ना वो हल निकाला, और अभी देख लें पूरी दुनिया अभी सुरक्षित है इस चीज़ से, वरना उस बीमारी से बहुत ज़्यादा लोग उन दिनों में ना मर रहे थे, इस पूरे फेस पे पूरी बॉडी पे वो एक पता नहीं कैसे अजीब किस्म के हाँ निशान हो जाते हैं, तो जिससे भाई छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई साइंस की हेल्प की नीम करोली बाबा जी ने, वो बोलते हैं कि हनुमान जी का अवतार थे उनमें बसते थे इस वजह से इसका जो है ना हल निकाल पाए, और वो साइंसदान ने भी उनका काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी किया, तो बहुत ज़्यादा भाई अच्छा लगा आज ये राज जानकर, तो उम्मीद करते हैं आपको भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू।